नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, लहरों को खामोश देकर ये मत समझना समंदर में अभी रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देकर ये मत समझना समंदर में अभी रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का टारगेट इलेक्ट्रीशियन एनस्केप में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल शॉक बताया था, आज मैं आपको सेफ्टी साइन बताऊँगा। दोस्तों, जिस प्रकार अगर आप ट्रैफिक लाइट पर जाते हैं, जेब्रा चिन्ह बने रहते हैं, उसके पीछे हम अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं, इससे क्या होता है, दुर्घटना से हम बच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के हमें साइन देखने को मिलते हैं। ये साइन किस लिए होते हैं, ताकि वहाँ पर जो संभावित दुर्घटना से हम बचाव कर सकें। आइए दोस्तों, हम सेफ्टी साइन को और बारीकी से देखते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे, जैसे आप रोड साइड पर भी चलते हैं तो कि इतनी स्पीड से चलना है, रोड पे बगल में लगा रहता है 40 की स्पीड चलिए, उसके बाद रहता है कि तीव्र मोड़ आने वाला है। इससे क्या होता है कि रोड साइड पे हमें जो होता है एक्सीडेंट से हम बचते हैं। बाकी अब जब जाते हैं ट्रैफिक लाइट पे, तो लाल ग्रीन होती है लाइन, लाल मतलब रुक जाइए, हरा मिस मतलब होता है कि अब जाइए, येलो में से धीरे कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि सेफ्टी साइन से आपको दूर से पता चल जाए कि हमारी कंडीशन क्या है, हमें रोड पर किस स्पीड से चलना है, सब हमें साइन बोर्ड से ही सारी हमें गाइड किया जाता है रोड पे ट्रैफिक को। आइए हम देखते हैं इंडस्ट्री में क्या होता है। इंडस्ट्री में भी साइन बोर्ड होते हैं अलग अलग स्थान पे, डिटेल में देखते हैं। किसी निर्माण स्थल पर कार के जाते समय आप विभिन्न प्रकार की सूचनाएं पढ़ेंगे, या संभावित खतरे के लिए आगाह करते हैं, इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप कभी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग बोर्ड्स लगे रहते हैं, अलग अलग आप देखेंगे चिन्ह बने रहते हैं, बस वो संभावित दुर्घटना का डिटेल बताते हैं, ताकि आप इनको इनसे सेफ्टी रखिए, ये दुर्घटना हो सकती है। जैसे कहीं पे रहेगा, अगर हेवी लोड वाले काम चल रहे हैं सर के ऊपर में, तो वहाँ पे हेलमेट और जूते अलाउड होते हैं, कुछ इस तरह देखेंगे इलेक्ट्रिकल लिखा रहेगा साइन। आप जाएंगे इंडस्ट्री में अलग अलग के देखेंगे। इन इन साइन को मैं डिटेल में अभी बताऊँगा कि क्या मतलब होता है। मोस्टली साइन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः इंडस्ट्री में चार यूज़ होते हैं। निषेधात्मक प्रोविजन साइन, इसका मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह होता है, मैं अभी बारीकी से इसको बताऊंगा। अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन, इस तरह होता है। चेतावनी, वार्निंग साइन, कुछ इस तरह होता है। सूचनात्मक साइन, इंफॉर्मेशन साइन, कुछ इस तरह होता है। ये मुख्यतः इंडस्ट्री में चार तरह के साइन होते हैं, इनको मैं बारीकी से बताता हूँ। निषेधात्मक प्रोविजन साइन मतलब ये मना ही करता है कि भाई ये काम नहीं करना है, अगर आप ये काम करेंगे तो दुर्घटना घट सकती है, अलाउड नहीं है। जैसे क्लास में मोबाइल एग्जामिनेशन, हमारे एग्जामिनेशन में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार कि ये चीज़ें अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा जो होता है चिन्ह बनते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में होते हैं, जैसे हमारे फ्लैग बनता है, झंडा हमारा बनता है, खादी का बनता है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और बीच में नीले रंग का चक्र होता है, ये हमें लाइसेंस कंपनियाँ ही बनाती हैं, खादी कपड़े से बनता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक वाले भी देख लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं होते, वो झंडा नहीं होता है, बस झंडे का रूप होता है। उसी प्रकार जो निषेधात्मक साइन है, उसको अलग अलग लोग बना देते हैं जिनको पता नहीं होता, लेकिन आप टेक्नीशियन, आपको पता होना चाहिए। जो इसका बॉर्डर होता है लाल रंग का होगा, और बीच में लाल रंग से कट लगा रहेगा, बीच में इसके डायग्राम रहेगा, जैसे ये बता रहा है कि यहाँ पे मत छुइए, करंट मार देगा। चलिए और डिटेल में देखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, सारे में क्या किया है, गोला बना के कट्टा मार दिया। जैसे कुत्ता यहाँ पे है, फोन है यहाँ पे, कैमरा है, वाइन की गिलास है, चम्मच है, मोबाइल है, चाकू है, बंदूक है, पटाखा है, सिगरेट है। सिगरेट तो हर जगह देखते होंगे, इस तरह दिखा देता है कि भाई ये जो चीज़ें जो चित्र के अंदर हैं, उसको कट लगा दिया, यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसका जो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये सर्कल के फॉर्म में रहता है, और बीच में रेड कलर की कट लगता है, और जो इसका बैकग्राउंड अमूमन सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा आइए, अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन जो होता है, इस प्रकार से होता है, जो इसका बॉर्डर होता है काला रंग का होता है, और बीच में जो इसके क्या है, नीला रंग का पृष्ठभूमि होती है, और जिस चीज़ को ज़रूरत होती है, अनिवार्य होता है, उसको इसमें दिखा देते हैं। इंडस्ट्री में जैसे जाते हैं तो जूता अनिवार्य होता है, तो कुछ इस तरह दिखाते हैं उसे, कुछ इस तरह दिखाते हैं। बाकी अब डिटेल में और भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे पृष्ठभूमि नीली रंग की हैं, और जो जो चीज़ें अनिवार्य उनको दे, जैसे हेलमेट, चश्मा, मास्क, कान में ईयरबड, जूता, शूज़, यहाँ पे ग्लव्स है, शूज़ है, ग्लव्स है, अलग अलग किस्म के हैं। बाकी आप आगे आइए, तीसरा चेतावनी चिन्ह होता है, वार्निंग साइन। ये क्या कहता है, हमें किसी खतरा से आगाह करता है। ये हमेशा त्रिभुज के आकार का होता है, इसका बॉर्डर काला रंग का होता है, और जिस चीज़ से आगाह करता है बीच में उसका साइन बना होता है। इसकी पृष्ठभूमि हमेशा पीली रंग की होती है, स्टैंडर्ड होता है।
दोस्तों आइए और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि आप देखिए इसमें सारी सारे डायग्राम में पृष्ठभूमि पीली रंग की है, बॉर्डर इसका काला रंग का है, त्रिभुज के आकार का है। जिन जिन चीज़ों के मनाही के लिए उसको दिखाया गया, जैसे यहाँ पे है कि कह रहा है यहाँ हाई वोल्टेज है भाई बच के रहना, यहाँ पे कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ हजारडस चीज़ हैं, यहाँ पे करंट लग सकता है आपको, यहाँ पे आग लग सकती है, इन चीज़ों को साइन से आप पता कर सकते हैं। दोस्तों सूचना चिन्ह इन्फॉर्मेशन साइन जो होता है ये क्या होता है कि ये वर्गाकार होता है, चौकोर होता है, देख लीजिए, और उसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है और जो साइन इसमें बना रहता है अमूमन सफ़ेद रंग का, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के बाहर बना होता है कि यहाँ बगल में हॉस्पिटल है जी, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं सूचना दे रहा है। ऐसे बहुत से आप साइन पढ़ेंगे और उनको इंडस्ट्री में जब जाएंगे देखने को मिलते हैं, लेकिन मूलतः यही होते हैं, बाकी बस मनाही हो जाएगी कि जैसे कि इसमें मनाही होगी कि पीला रंग का है ये काम नहीं करना है, मतलब ये है कि वार्निंग साइन है, अगले वाले में कि अनिवार्य मैंडेटरी ये जरूरी जरूरी चीज़ें तो नीला रंग में दे देगा, बाकी लाल रंग काट के ये चीज़ें अलाउड नहीं, आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे बारीकी से। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फायर बताऊंगा, आग के बारे में, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कितनी प्रकार की होती है और कैसे बुझाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।